हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज मैं मोहसिन खान, ये मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट एप रिव्यूज़। तो गाइज आज की वीडियो में तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। सबसे पहली बात तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज आज है मेरी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो। इतनी भी ज़्यादा वैसे कोई एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग या कोई स्पेशल वीडियो है नहीं, जस्ट मैं तुम लोग के लिए ट्यूटोरियल आया हूँ कंप्यूटर के रिगार्डिंग। बट आई नो कि तुम लोग टाइटल और थंबनेल को देखकर यहाँ पर आए हो, एंड मैं तुम लोगों को फटाफट से बता देता हूँ कि आज किस बात के ऊपर वीडियो है। तो भाई आज के वीडियो में मैं तुम लोग को बेसिकली बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे पास विंडोज़ का 8, विंडोज़ का 8.1 या विंडोज़ का 10 वर्जन है, मतलब नॉर्मल वर्जन है, तो तुम उन्हें डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हो विंडोज़ 10 के प्रोफेशनल प्रो वाले वर्जन में। अब यार ये कैसे कर सकते हैं? कुछ भी गाइज तुम लोग ये कर सकते हो। अब अगर हाँ, अगर तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि यार तो विंडोज़ 7, विंडोज़ XP या विंडोज़ विस्ता क्यों नहीं कर सकते, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये सेटिंग विंडोज़ के किसी भी और वर्जन में काम करेगी सिवाय 8.1 एंड 10 के, बिकॉज या इसी में काम करती है, बिकॉज ये जो है 8.1 एंड 10 ये गाइस बिल्कुल सिमिलर वर्जन से एक दूसरे के पास थोड़े बहुत ज़्यादा फीचर्स एंड थोड़े में कम फीचर्स है, बस वैसा ही है। तो इसीलिए बट गाइज लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले तुम लोग को करना क्या, अपनी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है? तो यार मैं फटाफट से अपनी यार सेटिंग्स में चले जाता हूँ, बिकॉज जब भी तुम्हें कोई अपनी कंप्यूटर पे कोई भी छेड़ाछाड़ी करनी हो तो सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में जाते हो। ऑब्वियसली कंप्यूटर की हो मोबाइल की हो, ऑब्वियसली तुम सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में जाते हो। तो भाई एक मिनट, ओके। अब गाइज तुम लोग जैसी गाइज यहाँ पर जाओ अपनी सेटिंग्स के अंदर, तो गाइज मैं तुम लोग को सामने दिखा देता हूँ। तो ये कीबोर्ड है, इस पर मैं तुम लोग को टाइप करके दिखाता हूँ कि क्या टाइप करना है, बिकॉज भाई काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि यार भाई हमने टाइप करा, हमारे इसमें सर्च आई नहीं, क्या पता इसने क्या टाइप करा, तो इसलिए बिकॉज कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यार तुम लोग को यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा अबाउट योर पीसी, ठीक है? अबाउट तुम टाइप करोगे तो आ ही जाएगा वो वहाँ पे, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट योर पीसी, तो ये जो अबाउट योर पीसी है इस पर तुम लोग को क्लिक कर देना है। ओके अब जैसे गाइस यहाँ पर ही तुम्हारा अबाउट योर पीसी आ जाए, एक मिनट, हाँ जैसे गाइस तुम लोग के सामने अबाउट योर पीसी आ जाए तो गाइस तुम लोग को स्क्रोल डाउन करना है। अब भाई स्क्रोल डाउन करने के बाद तुम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा कि भाई चेंज प्रोडक्ट की ऑफ और अपग्रेड योर एडिशन ऑफ विंडोज़। तुम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर तुम लोग को गाइज वैसे तो मैं तुम लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरा विंडोज़ का जो 10 है वो प्रो में है, एंड गाइज ये पहले नहीं था, ठीक है? पहले से मेरा जो ये था विंडोज़ का 10 वर्जन ये होम का था, नॉर्मल था, मैंने इसे अपग्रेड करा उस ट्रिक की मदद से डायरेक्टली प्रो में, ठीक है? अब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पहली बात तो रिकॉर्डर मेरा क्रैश हुआ पड़ा था वहाँ पे, बिकॉज मेरा कंप्यूटर अभी रिसेंटली सर्विसिंग को गया था, सब कुछ उसमें से पता नहीं कहाँ का चला गया, तो इसी लिए। ओके तो भाई सबसे पहले यार तुम लोग को यहाँ पर जो चेंज प्रोडक्ट की और अपग्रेड योर एडिशन ऑफ विंडोज़ करना है, ठीक है? तो भाई यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ओके अब भाई जैसे तुम लोग के सामने यहाँ पर आएगा एक्टिवेशन, ये तुम छोड़ो, ये तुम रहने दो। तुम लोग को जाना है यहाँ पर चेंज प्रोडक्ट की का एक ऑप्शन तुम लोग को दिख रहा होगा, है ना? इस ऑप्शन पर तुम लोग को जाना है, तो भाई यहाँ पर जाओ। तो भाई जैसे तुम लोग चेंज प्रोडक्ट की पे क्लिक करोगे, एंड गाइस मैं तुम लोग को पहली बता दूँ पूरा मेथड ये ऑफलाइन है, ठीक है? तो भाई तुम लोग को फटाफट से अपना प्रोडक्ट की चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ लोड होने में। अरे भाई लोड हो जा लोड हो जा। ओके तुम लोग को अब बेसिकली गाइस तुम लोग को यहाँ पर करना क्या है, सिंपल जो है तुम लोग को मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करनी है। देखो ये हो गया, अभी हुआ। तुम लोग को गाइस सिंपल जो करना है भाई साहब वो है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को एक प्रोडक्ट की के नाम से एक की होगी नीचे, मतलब ऊपर प्रोडक्ट की लिखा होगा, नीचे वो की होगी, जो नंबर जो मतलब अल्फाबेट और जो नंबर वहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा गाइस सेम टू सेम तुम्हें लिखना है। या तो तुम लोग एक काम करो, अगर तुम फ़ोन पे तुम अगर एंड्रॉयड डिवाइसेस यूट्यूब देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, या फिर तुम लोग भाई अपने फ़ोन ले लो उसका मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के रख दो, एंड यहाँ पर जो है तुम लोग को प्रोडक्ट की को डाल के रख देना, एंड तुम लोगों को यहाँ पर जो प्रोडक्ट की है उसको डाल देना है। अब फिलहाल मैं यहाँ पर डाल नहीं सकता हूँ बिकॉज या मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज भाई अगर क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट की है वो इसी फ़ोन के अंदर है जो कैमरे वाला, तो भाई इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी डाल भी सकता हूँ, बट तुम लोग का एक काम करता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। तो भाई तुम लोग के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट की लिखी, अरे रुको रुको मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया, रुको। तो भाई तुम लोग जैसे कि देख सकते हो मैं तुम लोग के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट की मैं लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट की लिखी है, मैं तुम लोग के सामने करूँगा, दिमाग खराब। ओके तो यहाँ जो प्रोडक्ट की अभी कहाँ गया, देखो भाई सबसे पहले तो यार जो ये प्रोडक्ट की मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है?
एक मिनट रुको रुको, मैं जितने भी गाइस डैश पैश है ना भाई, इनको निकाल देते हैं, बिकॉज अगर गाइस ये डैश वैश सामने आ गए ना भाई तो गड़बड़ हो सकती, तो जितने भी डैश डैश है ना भाई सब निकाल देते हैं, ठीक है। एंड अब गाइस मैं इन सभी को कॉपी कर देता हूँ फटाफट से, एंड कॉपी 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 करके गाइस हमें सिंपल यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। तो भाई यहाँ पर तुम लोग को पेस्ट का एक, यहाँ जैसे गाइस तुम लोग राइट क्लिक करोगे यहाँ पर तुम लोग को पेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर पेस्ट कर दो। प्रोडक्ट की अब तुम्हारे यहाँ पर आ चुकी है गाइस, चाहिए तो तुम लोग इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लो या डिस्क्रिप्शन में मैंने अलग से लिख कर रखी है। अब जैसे गाइस तुम लोग नेक्स्ट करोगे यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी, ये प्रोडक्ट की तुम लोग डालो नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अब मैं बिकॉज तुम लोग ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग प्रोडक्ट की पता नहीं कहाँ डाल दो है, वो सब हो सकती है गड़बड़, तो इसलिए भाई सब तुम लोग इस प्रोडक्ट की को डाल दो। मेरा बिकॉज विंडोज 10 का प्रो पहले से ही है, अब वापस अगर मैं प्रोडक्ट की डालूंगा तुम लोग बोलोगे कि पहले से ही प्रो था तो वापस करके क्या फ़ायदा, तू तो हमें वही दिखा, तो इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ डायरेक्टली तुम खुद ट्राई कर लो, ठीक है। ये यहाँ पर तुम लोग को ये प्रोडक्ट की डालनी है, एंड ये जब प्रोडक्ट की तुम लोग डाल रहे हो तब भाई नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि होगा क्या। अब जैसे गाइस तुम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद में जो है यहाँ पर एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि भाई प्रोसेसिंग है स्टार्टेड। अब जब वो प्रोसेसिंग है स्टार्टेड करके लिखा हुआ आए, एक मिनट या गाइस, जैसे वहाँ पर तुम लोग को लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेसिंग है स्टार्टेड, तो भाई वहाँ पर मतलब प्रोसेसिंग शुरू होगी, 0% होगा। तुम लोग गाइस एग्जैक्टली 15 मिनट्स तक वहाँ पर रुकना है, एंड जब तुम 15 मिनट्स तक वहाँ पर रुकोगे तो भाई साहब जब 15 मिनट्स के बाद में गाइस वो 100% लोड होगा एंड तुम्हारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। 3 बार गाइस तुम्हारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, तुम्हें कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, सिंपल तुम लोग यहाँ पर बैठे रहो आराम से कंप्यूटर के सामने, जो भी तुम लोग को काम है, लेकिन कंप्यूटर पर कुछ भी मत करना, ठीक है। और ठीक है, कुछ छेड़ाछाड़ी मत करना, ठीक है। जैसे गाइस वो रीस्टार्ट होगा, जब पहले रीस्टार्ट होगा तब उसकी कुछ फाइल्स वगैरह डाउनलोड हो गएंगे गाइस, कम्प्लीटली प्रोसेस जो है ऑफलाइन है, ठीक है। तो भाई जब भी तुम लोग शुरू होगा तो भाई एक प्रोसेस जो है जहाँ पर चालू होगा, एंड गाइस जो वो प्रोसेस होगा जब वो चालू रहेगा तो तुम लोग को कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूँ। कभी तुम छेड़ाछाड़ी कर लो उसमें बाद में फिर गाइस प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई यार हमारे ये नहीं चला, ये हो गया, वैसा हो गया, तैसी हो गई, वैसी हो गई, वैसी हो गई, ये सब हो जाएगा। और फिर भाई तुम लोग मुझे कहोगे कि यार भाई मतलब क्या है यार, कुछ काम कर नहीं रहा है ये एंड वो, तो गाइस इसलिए भाई जैसे ही तो भाई रीस्टार्ट होगा तुम्हारे कुछ लोडिंग होगी कुछ फाइल्स ऑफलाइन, एंड जब वो ऑफलाइन तुम्हारी लोड होगी तो उसके बाद में जो है तुम्हारे जो कंप्यूटर होगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद में गाइस जो है ओके कंप्यूटर तुम्हारा गाइस रीस्टार्ट, जब वो फाइल्स 100% हो जाएंगी वापस वो रीस्टार्ट होगा, जहाँ पर कुछ नए फीचर्स तुम्हारे कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा वो भी ऑफलाइन, ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ। एंड बाद में वापस रीस्टार्ट होगा एंड तुम्हारे कंप्यूटर फिर नॉर्मल आ जाएगा, बाद में तुम्हें अपना कंप्यूटर फिर स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो है अपने कंप्यूटर को चेक करना वो विंडोज 10 के प्रो वाले वर्जन में अपग्रेड हो जाएगा। एंड गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर तुम लोगों को पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब, वीडियो पर पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, तब तक के लिए मैं चला, गुड बाय।